असदुद्दीन ओवैसी भारत के वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पॉलिटिशियंस में से एक, जिनको आप अक्सर न्यूज़ चैनल पर देखा करते हैं। आज की वीडियो सेलिब्रिटी की लाइफ स्टाइल में हम इनकी लाइफ स्टाइल डिटेल लेके आए हैं और इनकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे जो ये जीते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, इनका जन्म हुआ था 13 मई 1969 हैदराबाद में और इनका जो करंट टाइम में उम्र है वो 52 ईयर्स ओल्ड है। इनके फादर का नाम था सुल्तान सहुद्दीन ओवैसी और पेशे से एक पॉलिटिशियन थे और ये भी हैदराबाद के काफ़ी जाने माने शख्सियत हैं। मदर का नाम है नाजामुद्दीन ओवैसी और पेशे से एक हाउसवाइफ थी। ओवैसी जी का जो वेट है करंट टाइम में वो है 70 किलोग्राम और हाइट है 5'9" की। एजुकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों, यू तो ओवैसी जी वन ऑफ द इंडिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस में से एक है, जिन्होंने पढ़ाई के लिए लंदन से लेकर न्यूयॉर्क सारी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इन्होंने अपनी जो बीए की पढ़ाई है वो भारत से की, फिर इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और इन्होंने लॉ का काफ़ी अच्छा ज्ञान हासिल किया। चाहे हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं या फिर नेशनल के हिसाब से, तो एक बहुत बड़े लॉयर्स हैं, इंडिया के में से एक हैं। करियर की शुरुआत की बात करते हैं तो दोस्तों, करियर की बात करो तो ओवैसी ने अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाया, जहां पर ऑल इंडिया मजलिसे लीदीमुद्दीन मुस्लिम के जो प्रेसिडेंट पहले इनके पिताजी थे, इनके पिताजी के बाद यही उसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। एक बार फिर से नाम बताता हूं, ऑल इंडिया मजलिसे लीदीमुद्दीन मुस्लिमीन। सॉरी दोस्तों, मुझे नाम उतना सही से उर्दू नहीं आता, लेकिन कुछ इस प्रकार से इन लोग का एक संगठन है, मुस्लिम संगठन है, जिसके करंट टाइम में प्रेसिडेंट है। इनकी रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो इनकी शादी फरीन ओवैसी से हुई थी जो कि 1996 में हुई थी और इनसे इनका एक बेटा और 5 बेटियां हैं। हॉबीज़ की बात करते हैं तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को किताबें पढ़ना, बाइकिंग करना और बॉक्सिंग करना, ये 3 काफ़ी ज़्यादा शौक़ हैं और ये अपने जवानी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा घूमना भी पसंद करते थे। यूँ कह लें कि इन्हें वर्ल्ड टूर के भी जाना बहुत पसंद है। कार की बात करते हैं तो दोस्तों, हैदराबाद के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन के पास जो कार कलेक्शन है वो आपको शायद सुनकर हैरानी होगी। पहली है इनके पास फोर्ड एंडेवर जिसकी कीमत है 40 लाख रुपीस। सेकेंड कार है टाटा सफारी जिसकी कीमत है 15 लाख रुपीस। तीसरी गाड़ी है फॉर्चुनर जिसकी कीमत है 50 लाख रुपीस। और चौथी गाड़ी है लैंड रोवर डिस्कवरी जिसकी कीमत करीबन 2.5 करोड़ रुपये है। और यहाँ पर 5वीं गाड़ी इनके पास है वोल्वो की XC90, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसकी कीमत करीबन 50 लाख 55 लाख रुपीस के आसपास में आ जाती है। इनकम सोर्सेज की बात करते हैं तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की इनकम सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है। पहली जो इनकी मेन इनकम सोर्स है वो है लॉयर, ये भारत के जाने माने लॉयर है। सेकेंडरी बात करूँ तो इनकी फैमिली बिजनेस बहुत बड़ी है, अलग अलग जगह ज़मीन है, अलग अलग जगह से किराए लेते हैं, तो ओवरऑल काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो इन दो इनकम सोर्सेज हैं इनके और ऊपर से ये पॉलिटिशियंस भी हैं, तो पॉलिटिशियन के जरिए भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। नेटवर्थ की बात करूँ तो असदुद्दीन ओवैसी की जो टोटल नेटवर्थ है वो है 28 करोड़ रुपीज़ की। दोस्तों, ये था असदुद्दीन ओवैसी जी का लाइफ स्टाइल डिटेल, जो कि आज की वीडियो सेलिब्रिटी की लाइफ स्टाइल में हमने कवर की। आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेलिब्रिटी की लाइफ स्टाइल को। और अगर आप ओवैसी जी को पसंद करते हैं इस वीडियो को, करिएगा 1 लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।